गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आप सबको पता है कि न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर के दिन ना हर किसी का कुछ ना कुछ प्लानिंग तो होती रहती है, जैसे कि मेरी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग थी। ऑब्वियस यार, पता है मेरी ना प्लानिंग थी कि मैं बनारस जाऊंगी, यू नो, घाट पे सेलिब्रेट करेंगे, बट ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, सॉरी। तो लेकिन अभी भी मेरा एक स्टिल, वैसे तो मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं कि मैं कुछ सेलिब्रेट करूँ। मेरा था कि हाँ ठीक है, मस्त घर पर रहेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, रात में कुछ वेब सीरीज़ देखेंगे एंड बस सो जाएंगे। यही मेरा प्लान था और कुछ मैंने सोचा नहीं था, बट यू नो, अंश ने मेरे को थोड़ा एक छोटा सा सरप्राइज दिया है। न्यू ईयर आ रहा है, पार्टी वाला माहौल है, तो क्यों ना इस पार्टी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और उसके लिए मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। एक्चुअली शॉपिंग नहीं है, अंश को थोड़ा सा मेकओवर कराना था अपने लिए। बहुत टाइम से वो कुछ सलोन नहीं गए थे और मैंने कहा चलो इसी बहाने थोड़ा सा आपका मेकओवर हो जाएगा। तो मैंने कहा चलते हैं सलोन आपके लिए और थोड़ा सा मैं भी अपनी शॉपिंग कर ही लूँगी। देखेंगे, शॉपिंग वॉपिंग ऐसा कुछ मेरा सीन नहीं है, बट फिर भी जाके देखेंगे कि क्या मिल रहा है। अगर कुछ अच्छा मिला तो ले लेंगे, नहीं तो फिर नॉर्मली बन के जाएंगे। ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरा, मेरे को ऐसा कुछ दिखाना नहीं होता है किसी को भी। तो बस फिलहाल चलो शॉपिंग पे चलते हैं और फिलहाल अंश को बुलाते हैं पहले। बहुत टाइम से वो 1 घंटे से ना आ रहा है यार। तो यार मैं इतने खुशी से गई थी शॉपिंग करने के लिए, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला और इस लड़के ने तो मेरा वैसे भी मूड ख़राब कर दिया। मैंने कहा कि कर लो भाई, आप भी शॉपिंग कर लो, मैं तो जा रही हूँ घर और मेरे को कुछ भी नहीं लेना, कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। The very next evening. तो भाई चलो, मैं तो रेडी होने जा रही हूँ पार्टी के लिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और बस और ज़्यादा लेट ना करके शुरू कर। देखो भैया, बहुत सारे लोगों को ना न्यू ईयर से बड़ी दिक्कत होती है। उनका कहना होता है कि ये तो वेस्ट का कल्चर है, ये हम क्यों सेलिब्रेट करें ये वो। अरे भैया एक बात बताओ, अगर आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना है तो आप पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को बॉयकॉट करो ना। आप उनके दिए हुए महंगे ब्रांड भी पहनोगे, वेकेशन मनाने आप बाहर फॉरेन में जाओगे, उनकी सारी चीज़ों को आप अपनाओगे, बट दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई मैं तो इंडियन कल्चर को फॉलो करता हूँ पूरी तरीके से, आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट करूँगा, तो चलो भैया आप मत करो, लेकिन पूरी तरीके से उसको बॉयकॉट करो। हर चीज़ में तो आप वेस्टर्न को लेके आते हो, अंग्रेजी गाने सुनोगे, अंग्रेजी पिक्चर देखोगे, वेकेशन मनाने आप बाहर जाओगे, भारत का कुछ आपको पता है नहीं, और बस लोगों को सुनाने के लिए लोग कह देते हैं कि भाई हम तो इंडियन हैं, तो ये तो गलत बात है ना। खैर मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ भाई पार्टी में। तो मैं बता देती हूँ ये पार्टी थी कहाँ पे। ये पार्टी थी बुद्धा एवेन्यू में, ये बहुत ही नया नया खुला है, आपको पता होगा बुद्धा एवेन्यू के बारे में। तो बस हमने वहीं पे अपनी पार्टी की थी कि हम चलते हैं वहीं पे पार्टी करेंगे, मस्त इन्जॉय करेंगे। और ये मेरा बेसिक सा लुक मैं पहले दिखा नहीं पाई, ऑब्वियस सी बात है मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। सिखाया होगा तूने मुझे सिखाया।
एवरीबॉडी, सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हूँ। और मैं घर जा रही हूँ और रात के 1:30 बज रहे हैं। मैं पार्किंग में एक्चुअली जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, है ना जी? बहुत ठंड है गाइस। मतलब साल बदल गया है, पर लोगों की नीयत, लोग तो वही है, साल बदल ले, बस एक डेट ही तो चेंज हुआ है। बट ठीक है, एक तो कहता है ना कि एक होप होती है, एक आदमी एक रिजोल्यूशन लेता है, एक कहता है प्रॉमिस खुद से करता है कि जो गलती हमने पिछले साल की है वो हम इस साल नहीं करेंगे। तो अच्छी है, अच्छी बात है, ये प्रॉमिसेस तो खैर करते रहने चाहिए हमें। मैं बस ये कहूँगी कि आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, और अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और करके मैंने बहुत कुछ बोल दिया। चलते हैं घर, जो पता है घर जाके बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, बिकॉज लिटरली हमने लेट तो कर ही दिया है। हमने क्या मतलब खाते पीते हैं, लेट तो हो ही जाता है, बट अब सीधे घर जाएंगे और मिलते हैं आपसे कल। तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी।